8 साइंस का लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. इसका क्वेश्चन है, सम पीपल फियर दैट वैक्सीन कैन बी डेंजरस एज इट कंटेन्स माइक्रोब्स इटसेल्फ, प्लीज डिस्कस एंड रिमूव द फियर. आंसर, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन व्हिच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेस. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स. Vaccines on entering our body produce suitable antibodies. These antibodies remain in the body and fight with the harmful microbes in our body. Moreover, vaccines contain dead or weakened microbes, so they are not harmful for the human beings. कुछ लोग वैक्सीन के बारे में ये सोचते हैं कि वैक्सीन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वैक्सीन में माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उनकी यह धारणा गलत है. वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है. जब वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो ये सूटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और हमें एक या कई डिसीजेज में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. वैक्सीन डेड या वीक माइक्रोब्स से बनती है, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक नहीं होती. अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.